हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोटोग्राफी लवर्स में। तो दोस्तों, आज हम सोनी A7III या सोनी M3 कैमरे की जो सीरीज थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सोनी M3 की फोकस एरिया तक की सेटिंग के बारे में बात कर ली थी, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटो मेन्यू की बाकी सेटिंग्स और ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फोकस एरिया के बाद हमें ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर बेसिकली कम लाइट वाली सिचुएशन में हमें सब्जेक्ट को ऑटो फोकस करने में हेल्प करता है और साथ ही ऑटो फोकस लॉक करने में भी अपने को हेल्प देता है। इसे हम मूवी और फोटोग्राफी दोनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें सेंटर लॉक ऑन ऑटो फोकस देखने को मिलता है। यह बेसिकली सब्जेक्ट को ट्रैक करने का काम करता है। इसका यूज मेनली वीडियोग्राफी के टाइम सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसको यूज करने के लिए सब्जेक्ट को कैमरा फ्रेम के सेंटर में लाने के बाद जो कंट्रोल व्हील है उसके सेंटर के बटन को अपने को दबाना है, तो कैमरा सब्जेक्ट का पता लगाता है और उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। इसे बंद करने के लिए हमें फिर से उसी बटन को दबाना होता है। इस फंक्शन का यूज हम मैनुअल फोकस सेटिंग में नहीं कर सकते हैं। यह फंक्शन केवल ऑटो फोकस सेटिंग ऑन होने पर ही काम करता है। इसके बाद हमें सेट फेस प्रायोरिटी इन ऑटो फोकस ऑप्शन देखने को मिलता है। यह फोकस किए गए सब्जेक्ट को पहचानने में मदद करता है। इसके बाद हमें ऑटो फोकस ट्रैक सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसमें हम 5 मोड्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें 1 और 2 नंबर पे लॉक ऑन मोड देखने को मिलते हैं। इसमें ऑटो फोकस की सेंसिटिविटी सबसे कम हो जाती है, जिससे हमारा फोकस सब्जेक्ट को लॉक कर लेता है। मतलब अगर हमारे सब्जेक्ट के बीच में कोई और सब्जेक्ट आ जाता है तो भी हमारा फोकस किया हुआ सब्जेक्ट आसानी से फोकस आउट नहीं होता है। इसके बाद हमें 3 और 4 पर स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी देखने को मिलती है और 5 नंबर पर हमें रेस्पॉन्सिव सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। मतलब जो 5 नंबर है इसमें जो फोकस के स्विच होने की स्पीड है वो तेज हो जाती है। मतलब अगर हमारे फोकस किए हुए सब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हमारा कैमरा तुरंत से उस दूसरे सब्जेक्ट को फोकस कर लेता है। मतलब हमारा फोकस तुरंत से शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें ऑटो फोकस सिस्टम देखने को मिलता है। जब हम माउंट अडेप्टर का यूज करके एम माउंट लेंस लगाते हैं या यूज करते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हमें ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन और कॉन्ट्रास्ट ऑटो फोकस दोनों सेट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका यूज हम नॉर्मल लेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका यूज अपन केवल अगर माउंट यूज करके एम माउंट लेंस लगाते हैं तो ही इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें AFW शटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है ऑटो फोकस विद शटर। इसमें हम जब शटर बटन को आधा दबाते हैं तो हमारा कैमरा ऑटो फोकस कर लेता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन आता है। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो शटर बटन है उसके साथ हमारा ऑटो फोकस काम नहीं करता है। इसके बाद हमें प्री ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये शटर बटन को आधा दबाने से पहले फोकस को सेट करने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ आता है। मेरा सजेशन भी यही है कि इसे आप ऑफ ही रहने दें, जिससे फोकस मोटर पर ज्यादा लोड नहीं पड़े। इसके बाद हमें आई स्टार्ट ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से रिलेटेड सेटिंग है। इसमें हमें व्यू फाइंडर यूज करते टाइम ऑटो फोकस ऑन रखना है या नहीं, इसकी सेटिंग देखने को मिलती है। इसके बाद हमें ऑटो फोकस एरिया रजिस्टरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन का यूज करके हम फोकस एरिया को जल्दी से बदल सकते हैं। इसके बाद हमें डिलीटिंग रजिस्टर ऑटो फोकस एरिया का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका यूज करके हम पिछले पॉइंट में जो फोकस एरिया यूज किया था उसे वापस हटा सकते हैं। इसके बाद हमें AF एरिया ऑटो क्लियर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें हम ऑटो फोकस एरिया को देखते हुए रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से अपन रख सकते हैं। इसमें होता है कि एक बार फोकस होने के बाद हमें डिस्प्ले में कंटिन्यूस ऑटो फोकस एरिया ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे हम फोकस एरिया को डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑटो फोकस माइक्रो एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे भी हम अगर माउंट लगा के लेंस यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन दूसरा लेंस लगाते हैं, एम माउंट लेंस का यूज करते हैं, तो उस टाइम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे माइक्रो वाइब्रेशन अपने को देखने को मिलती है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं इसका यूज करके। तो दोस्तों, ये थी सोनी A7III या सोनी M3 कैमरे की फोकस सेटिंग की जानकारी। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इस कैमरे के एक्सपोजर मेन्यू के बारे में बात करेंगे और इसको यूज करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।